आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो मंत्री विक्रमादित्य सिंह को लेकर के हैं। जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है कि विक्रमादित्य सिंह मंडी से चुनाव लड़ सकते हैं, इस पर आज खुद विक्रमादित्य सिंह ने बड़ा बयान दिया है और उनकी जो माता है जो अभी सांसद है मंडी से, उनका भी बड़ा बयान आया है। आपको बताएंगे सबसे बड़ी खबर। और दूसरी जो बड़ी खबर है वो HRTC बसों में महिलाओं को लेकर के हैं। इनको दो दिन जो है वो फ्री सुविधा रहने वाली है, कब ये सुविधा रहेगी वो आपको बताएंगे। इसके अलावा शांता कुमार ने आज एक बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कंगना रनौत को जो है वो बहादुर बेटी करार दिया है, वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा कंगना रनौत का एक बयान जो गौ मास को लेकर जो ट्वीट वायरल हो रहा था, इस पर आज उन्होंने जो है वो अपनी प्रतिक्रिया दी है। विक्रमादित्य सिंह ने भी कई जुबानी हमले बोले हैं। और एक दुखद खबर जो है वो जोगिंदर नगर से है, यहां पर एक विवाहित महिला ने जो है वो फंदा लगाकर आत्महत्या की है। पूरी खबर बताएंगे आपको। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज की बड़ी खबर, मंडी सीट से विक्रमादित्य सिंह के चुनाव लड़ने को लेकर, इस पर खुद आज विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह ने मीडिया में बड़े बयान दिए हैं। प्रतिभा सिंह ने मंडी लोकसभा सीट से हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा कि भाजपा की मंडी से जो प्रत्याशी है वो कंगना, वो युवा है और उनकी उम्र शायद 36-37 साल है और वही उम्र जो है विक्रमादित्य सिंह की भी लगभग 34 साल के आसपास है। आयु का फैक्टर बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मंडी संसदीय सीट से किसे पार्टी प्रत्याशी बनाएगी, फिलहाल इस पर जो है वो आखिरी सहमति तो नहीं बनी है, लेकिन कंगना से मुकाबले के लिए युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह के नाम को लेकर दिल्ली में विचार जरूर हुआ है। यानी ये मान के चलिए कि दिल्ली में जो है वो उनके नाम की चर्चा हुई है, ये आज कहा है। एक उम्र के प्रत्याशियों में मुकाबला करने के लिए विक्रमादित्य सिंह को लेकर चर्चा हुई है, यानी जो सेम एक जो एज ग्रुप होता है उसको लेकर के जो है वो दिल्ली में चर्चा हुई है। आपको हमने एक बड़ी खबर भी बताई थी कि विक्रमादित्य सिंह जो कांग्रेस पार्टी ने सर्वे कराया था मंडी में, उस सर्वे में सबसे ऊपर थे, यानी जो युवा है वो उनको वहां पर चेहरा दिखना चाहते थे, ये जो है वो सर्वे रिपोर्ट गई और इसी को लेकर फिर दिल्ली में जो है वो चर्चा हुई। बाकी विक्रमादित्य सिंह से युवा भी जुड़े हुए हैं, आज प्रतिभा सिंह ने कहा है, और वह अपनी बातों को युवाओं और जनता के बीच बेहतर तरीके से रखते हैं। मंडी सीट हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण सीट है और यहां से जो उनके जो पति दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह, ये तीन बार खुद सांसद रहे हैं और तीन ही बार जो है वो प्रतिभा सिंह भी यहां से सांसद रह चुकी है, यानी कह सकते हैं कि दो दशक से अधिक यहां पर जो है वो जो सिंह परिवार है उनका दबदबा रहा है और मंडी सीट से वो चुनाव लड़ते रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाजपा प्रत्याशी पर जो है वो आशीर्वाद है और बाकी मैं मंडी से वर्तमान में सांसद हूं तो मेरा टिकट काटना भी इतना आसान नहीं होगा। बाकी फैसला हाईकमान के जो है वो पाले में गेंद है, जो हाईकमान चाहेगा वो फैसला जो है वो सर्वोपरि होगा। उन्होंने कहा है कि लंबे अरसे तक जो उन्होंने आज बड़ा बयान दिया है कि हमारा परिवार वहां पर चुनाव लड़ता रहा है। बाकी अब जो एक नाम सामने आया विक्रमादित्य सिंह का, उन्होंने कहा है कि इसलिए चर्चा हुई है क्योंकि एक जैसा जो एज ग्रुप है वो उनका है और जो हाईकमान फैसला लेगा वो सर्वोपरि होगा। वही विक्रमादित्य सिंह ने भी आज बड़ा बयान दिया है दिल्ली से लौटने के बाद, न केवल कंगना रनौत पर जुबानी हमला बोला है, उन्होंने जो बीते कल जो जयराम ठाकुर उन्होंने बयान दिया था, जो पूर्व सीएम प्रदेश के रहे हैं उन्होंने जो बयान दिया था उनको भी आज लपेटे में लिया है विक्रमादित्य सिंह ने। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि मंडी से भाजपा की प्रत्याशी कंगना रनौत क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सी है। उन्होंने कहा है कि वह कंगना का मान सम्मान करते हैं मगर चुनाव में मुद्दों पर बात होगी और उनके जवाब कंगना को देने होंगे। मीडिया ने जब उनसे पूछा शिमला में कि क्या आपके नाम पर मंडी से चुनाव लड़ने को लेकर दिल्ली में चर्चा हुई है, तो उन्होंने कहा कि मैं पार्टी हाईकमान का जो है वो बड़ा आदर करता हूं, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका बखूबी निर्वहन करेंगे, बाकी चुनाव मैदान में उतरने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ये बड़ा बयान, आप समझिए इसके मायने। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी हाईकमान मुझे चुनाव लड़ने को कहता है मंडी से तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी उनके पिता है वीरभद्र सिंह, उन्होंने हमेशा फ्रंट फुट पर खेलने की जो शिक्षा है वो मुझे दी है, बाकी हाईकमान जो मुझे जिम्मेदारी देगा उसका जो निर्वहन है वो किया जाएगा और जो हाईकमान का फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा। वही उन्होंने कहा है कि मंडी के चुनाव में कंगना रनौत अपनी बयानबाजी से जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है वो बेमतलब है, यहां बात विकास और जनहित के मुद्दों की होगी और हिमाचलियत की होगी, ये आज उन्होंने कहा है। और विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि कंगना को हिमाचलियत की ABCD भी नहीं मालूम है, ये उन्होंने दावा किया है। विक्रमादित्य ने यह भी दावा किया कि कंगना मंडी से किसी भी सूरत में नहीं जीत पाएगी और उन्होंने यह भी कहा कि कंगना को भगवान राम सद्बुद्धि दें और देवभूमि हिमाचल से वह चरित्र होकर वो पवित्र होकर जो है वो वापस बॉलीवुड में जाएं, ये उन्होंने आज बयान दिया है। इसके अलावा
जो एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली गई विक्रमादित्य सिंह के द्वारा कि गौ मांस वाली, उसको लेकर के भी आज जब जो है वो पलटवार किया कंगना रनौत ने, उस पर जो आज एक और प्रतिक्रिया दी है गौ मांस के मुद्दे पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि कंगना ने कई इंटरव्यू में खुद ये स्वीकार किया है जिससे आज वह इनकार नहीं कर सकती है क्योंकि यह बातें ऑन रिकॉर्ड हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उन्होंने कहा है कि कल जो उन्होंने बयान दिया था इस पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि पलटू राम वह नहीं बल्कि जयराम ठाकुर हैं, उनकी सरकार में जो फैसला वो सुबह लेते थे उसे शाम को बदल देते थे, यह जयराम ठाकुर को याद रखना चाहिए उन्होंने कहा है। विक्रमादित्य सिंह ने यह भी कहा कि जयराम को उन्होंने आज जो बड़ी बात कही है कि जयराम बड़ी बड़ी हांकते हैं, आरोप लगाया उन्होंने, और उनको तो खुद राम मंदिर का निमंत्रण तक नहीं आया, इसलिए वह दूसरों को सलाह देने से अच्छा है खुद जो है वो अपनी पार्टी पर तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो ये साफ है उनका नाम पैनल में है। जो एक शीर्ष की बैठक होनी थी अप्रैल को, उस दिन विक्रमादित्य सिंह और जो उनकी माता है उनका नाम, जो दो नाम गए जाएंगे पैनल में, जो वहां पर मोहर लगेगी वही मंडी से जो है वो कह सकते हैं कांग्रेस का चेहरा होगा। इसके अलावा बात करें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की, तो उन्होंने आज फिर से जो है वो बड़ा जुबानी हमला बोला है, और ये जुबानी हमला कैसे बोला है बता देते हैं आपको। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बिकाऊ लोगों को प्रत्याशी बनाया है, आरोप लगाया उन्होंने, और जो सीएम आज दिल्ली से वापसी हिमाचल प्रदेश लौटे और दिल्ली से विमान के जरिए सुखविंदर सिंह सुक्खू कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस आगामी चुनावों को लेकर पूरी तरीके से तैयार है और जल्द ही जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा की जाएगी, प्रत्याशियों के पैनल तय हो चुके हैं, यह भी आज सीएम ने कहा है, और कांग्रेस अच्छे और जो स्वच्छ छवि वाले नेता हैं उनको मैदान में उतारेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्याशियों के चयन के लिए अंतिम चरण की जो चर्चा वो हो चुकी है और अंतिम चरण में चुनाव है, इसलिए सोच समझकर जो है वो प्रत्याशी तय किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 15 माह में सरकार ने जनता की सेवा के अलावा जनता के कई और भी जो है वो कार्य किए हैं, भ्रष्टाचार पर रोक लगाई है, सीएम ने दावा किया है, आर्थिक चुनौती, आपदा और जो राजनीतिक चुनौती है उसका सामना किया, ओपीएस और महिलाओं को 1500 देने की जो शुरुआत है वो हो गई है, और उसमें जो और महिलाओं को मिलने थे उसमें भाजपा ने अड़ंगा डाला, लेकिन उसके बाद जब चुनाव हो जाएंगे तो सभी महिलाओं को मिलेंगे, उन्होंने ये बड़ी बात कही है, और जो विधवाओं के बच्चे हैं उनको निशुल्क शिक्षा, बुजुर्गों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा, और जो मनरेगा की दिहाड़ी है वो 60 रुपए बढ़ाई गई है, ये आज सीएम ने कहा है, और दूध और जो प्राकृतिक खेती है उस पर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको जो है लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। वहीं उन्होंने कहा कि 18 साल से अधिक जो आयु की महिलाएं हैं उनको 1500 रुपए दिए जा रहे हैं काजा में, और आगामी समय में और जो जगह है वहां पर भी महिलाओं को मिलना शुरू हो जाएंगे। और सीएम ने बड़ी बात कही है कि हम हर महिला को चुनाव के बाद, क्योंकि अभी जो है आचार संहिता लगी हुई है, दावा किया है सीएम ने कि 18,000 रुपए देंगे महिलाओं को सालाना, 18,000 जो है वो दिए जाएंगे। तो ये आज उन्होंने बड़ी बात कही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो सीएम ने आज और बातें कही है, सीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव में प्रदेश सरकार की जो 15 माह का लेखा जोखा है उसको लेकर जनता से वोट मांगेगी, और उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ बोलकर जनता को ठगने का प्रयास कर रही है, झूठ जितनी बार सच्चाई से टकराएगा जीत सच्चाई की होगी, ये आज सीएम ने कहा है। सरकार ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी, और उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने बिकाऊ विधायकों को उपचुनाव में अपना प्रत्याशी घोषित किया, इनके जो मुख्य सरगना है वो कांगड़ा जिला से हैं, आज सीएम ने फिर ये जुबानी हमला बोला है, और उन्हें 15 करोड़ से अधिक मिले होंगे, वह इस षड्यंत्र के सूत्रधार रहे हैं, भाजपा सोच रही है कि अभी और धन देंगे लेकिन बिकने वाले विधायक जा चुके हैं, अब प्रदेश में केवल देव संस्कृति और कांग्रेस की विचारधारा पर विश्वास रखने वाले एमएलए ही बचे हैं, और 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफा का जो फैसला है वो भी विधानसभा अध्यक्ष जल्द लेंगे। सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा की ओर से मुख्यमंत्री के खिलाफ जो मानहानि का नोटिस भेजा गया है, जो एफआईआर की गई है, इस पर आज सीएम सुक्खू ने कहा कि जब साबित होगा तब एफआईआर होती है, जुबानी नहीं होता है, कांग्रेस के पास पूरे तथ्य हैं, यानी जो आरोप लगाए जा रहे हैं, अब देखिए जो सीएम ने आरोप लगाया कि 15 करोड़ में बिके हैं जो बागी नेता है, इस पर जो है वो मानहानि का जो नोटिस है, जो कह सकते हैं आप जो दावा है वो सुधीर शर्मा ने किया है, और उनके अलावा जो कह सकते हैं आप राजेंद्र राणा ने किया है, एक नोटिस भेज भी दिया गया है सीएम को, जो इनके एडवोकेट हैं, और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सुधीर शर्मा ने यह कहा है कि अगर आपके पास सबूत हैं तो आप जनता को दिखाएं, इसी पर आज जुबानी जो हमले हैं वो बोले जा रहे हैं। सीएम ने कहा है कि एफआईआर तब होती है जब जो है वो कह सकते हैं साबित होता है, जुबानी जो हमारे पास पूरे तथ्य हैं, ये सीएम ने आज कहा है। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के,
कंगना ने आज एक बड़ा बयान दिया है फिर से। हालांकि कंगना अभी जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं है, वो मुंबई गई थी और कुछ दिनों में वापसी लौटेगी, लेकिन जिस प्रकार से जो सोशल मीडिया पर उनका एक जो ट्वीट है वो काफी वायरल हो रहा था, इसी को लेकर के फिर जो है कंगना रनौत ने बयान दिया है। कंगना ने जो बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि मैं बीफ या अन्य कोई भी रेड मीट नहीं खाती हूं। और भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने ये जो है जितने भी आरोप है उसको नकार दिया है। उन्होंने उन पर लगाए गए जो आरोप है उसका खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि वो किसी भी तरीके का रेड मीट नहीं खाती है। उन्होंने ये भी कहा कि वह गर्व महसूस करती है कि वह हिंदू है। और विक्रमादित्य सिंह ने, आपको बता दें, कंगना का जो गौमांस वाला खाने वाला जो एक आरोप था उस पर जो एक पोस्ट डाली थी, हालांकि उन्होंने जो है डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली लिखा था, जिस पर अभिनेत्री ने बिना किसी का नाम लिए इसका जो जवाब है वो दिया है। और सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है एक्स, इसको ट्विटर कहा जाता है, वहां पर जो है वो कह सकता है उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है। और हालांकि जो उनके सोशल मीडिया जो उनका ट्विटर अकाउंट है उस पर जो लोग हैं वो पुराने उनके जो ट्वीट है वो डाल रहे हैं, लेकिन कंगना ने बड़ा दावा किया है कि मैंने कोई भी जो रेड मीट है वो कभी भी नहीं खाया है। तो ये उन्होंने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं हमेशा कई साल से जो योगिक और जो आयुर्वेद का समर्थन और प्रमोशन कर रही हूँ और मेरी छवि को खराब करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है, और मेरे लोग जानते हैं कि मैं एक प्राउड हिंदू हूँ, उन्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता है, बाकी जय श्री राम। ये उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है और उन्होंने ट्विटर पर ये ट्वीट किया है आज। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, ओपीएस बड़ा मुद्दा रहा विधानसभा चुनाव में, फिर आज एक ओपीएस पर बड़ी खबर है। कुछ कर्मचारी जिनको ओपीएस नहीं मिली है इन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया है। चुनावी माहौल में फिर से जो है वो जो कॉर्पोरेट पेंशन का मुद्दा है वो उठ गया है। विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा एवं विधानसभा उपचुनाव में भी कॉर्पोरेट सेक्टर पेंशन का जो मामला है वो उठ गया है। हिमाचल प्रदेश कॉर्पोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं ठाकुर देवीलाल, इन्होंने जो है वो जो इन्होंने आज मीडिया में बयान दिया है, लगभग ये प्रदेश में 6,730 लोग ऐसे हैं जो सेवानिवृत्त हुए हैं जिनको लाभ नहीं मिल रहा है। इन्होंने पेंशन बहाली की मांग सरकार से की है। इन्होंने कहा है कि प्रदेश में वर्ष 1999 में निगम बोर्ड में लागू की गई पेंशन को वर्ष 2004 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वापस ले लिया था, और इस पेंशन योजना से जो 850 अधिकारी और जो कर्मचारी थे उनको तो लाभ मिल रहा है, लेकिन जो शेष बच गए हैं उनको इससे वंचित रखा गया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में ओपीएस को लेकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि करीब 2 दशक से कई सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारी जिनकी मौत हो चुकी है, इसके बावजूद भी सरकार ने जो है वो उनको पेंशन को लेकर गंभीर जो उनकी पेंशन है उसको लेकर गंभीर नहीं है, और न ही कोई चिकित्सा जो भत्ता है वो उनको दिया जा रहा है जिनको जो उनको लाभ मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने भी अपने घोषणा पत्र में उनकी पेंशन को बहाल करने का वायदा किया था, लेकिन उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया। इसी कारण 6,000 से अधिक जो पेंशनर परिवार हैं उनकी नाराजगी का जो खामियाजा है वो भाजपा को भुगतना पड़ा था विधानसभा चुनाव में। ऐसे में जो कांग्रेस है उनकी इस मांग को अनदेखा न करें और इसको लेकर जो स्थिति है वो स्पष्ट कर दें कि आपने बहाल करनी है नहीं करनी है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि उनको बातचीत के लिए बुलाकर शीघ्र पेंशन का जो लाभ है वो दिया जाए। तो ये एक और महत्वपूर्ण खबर थी, जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं जिनको पेंशन नहीं मिली है, इन्होंने चेताया है कि हम जो है वो 6,000 से अधिक लोग हैं, हमारी फैमिली है, और हम जो कुछ लोग हमारे थे उनको तो पेंशन मिल रही है 2004 के बाद आपने बंद कर दी, तो हमें भी जो है वो मिलनी चाहिए, इन्होंने कहा है। अब देखना पड़ेगा क्या इसमें आगे होता है। फिलहाल एक और बड़ी खबर है, और ये जो खबर है ये महिलाओं को लेकर के हैं। जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको ईद और जो बकरीद होती है इस पर HRTC बसों में स्पेशल सुविधा रहेगी। बहुत महत्वपूर्ण खबर है और राहत वाली खबर है। 11 अप्रैल को आगामी समय में जो ईद होने वाली है और 17 जून को जो बकरीद होती है इसमें जो है वो विशेष सुविधाएं रहेगी HRTC बसों में। अपना ID जो प्रूफ है वो मुस्लिम महिलाओं को दिखाना पड़ेगा, हालांकि ये जो सुविधा है केवल मुस्लिम महिलाओं के लिए होगी। अपना ID प्रूफ अपने साथ रखें और इसको लेकर के जो है वो इन 2 दिन में सुबह से शाम तक सूर्यास्त से सूर्योदय तक पूरे प्रदेश में 12 जिलों में कहीं पर भी ये जो महिलाएं हैं वो फ्री घूम सकेगी। तो ये विशेष रूप से जो महिलाएं हैं जो कहीं पर जाती है अपने परिवार घूमने जाती है का कहीं पर उनका जो है वो बकरीद है जहाँ एक बड़ा फेस्टिवल होता है मुस्लिम समुदाय का, तो वहाँ पर जाने के लिए HRTC बसों में उनको फ्री सुविधा रहेगी। इसको लेकर के आज MD जो HRTC है रोहन चंद ठाकुर, उन्होंने आदेश जारी किए हैं। और अगर इन दोनों छुट्टियों की तिथि बदल जाती है तो उन दिन ही यह विशेष जो सुविधा है वो रहेगी। इसके अलावा एक जो बयान है वो आज शांता कुमार ने भी दिया है। शांता कुमार ने कहा है कि मंडी की जो बेटी है जिनको टिकट दिया गया है भाजपा की तरफ से मंडी
संसदीय क्षेत्र से कंगना रनौत, उनको आज उन्होंने जो है वो बहादुर बेटे करार दिया। उन्होंने कहा कि जो कंगना है वो छोटे से गांव से निकल कर उसने बॉलीवुड में बहुत बड़ा नाम कमाया है और अब वो अपने गृह क्षेत्र वापसी आई है, उनको जनता प्यार भी कर रही है, प्यार जहाँ पर आकर के जो है जनता उनका समर्थन भी कर रही है और आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें ज़रूर जो है वो कंगना जीत हासिल करेगी और फिर जो है वो जो क्षेत्र है मंडी क्षेत्र है वहाँ पर जो कह सकते हैं विकास के कार्य हैं उसको आगे ले जाएगी। तो आज जो पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार भाजपा के एक वरिष्ठ नेता है उन्होंने बड़ी बात कही है कि कंगना जो है वो बहादुर बेटी है और मायानगरी मुंबई में जाकर के एक छोटे से गांव से जो है वो एक बड़ा नाम बनाना अपने आप में बड़ी बात है और ज़रूर जो है आगामी जो लोकसभा चुनाव है इसमें वो जीत हासिल करेगी और जो विकास कार्य है उसमें जो है गति प्रदान करेगी मंडी संसदीय क्षेत्र से। तो आज की जो महत्वपूर्ण खबरें थी आप तक हमने बता दी है, बाकी जो पोस्ट कोड हैं अभी रिजल्ट को लेकर के इसमें कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है, रिजल्ट के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर आपके साथ जुड़ेंगे नई खबर और नई अपडेट को लेकर के।